आप जीके टीवी देख रहे हैं, मैं हूं नदीम गुलजार और इस वक्त मैं नॉर्थ कश्मीर के पट्टन एरिया में हूं और आप मेरे पीछे ये जमी गफीर देख सकते हैं कि लोग कतारों में हैं। आज अपना जो है थर्ड फेज में जो है अपना वोट कास्ट करने आए हैं। आवाज़ रहे कि रियाज दीदार जो है एनसी के कैंडिडेट, उनका भी वोट इसी जो है इसी पोलिंग स्टेशन पे है और लोगों की काफ़ी भीड़ है। एक साइड से मस्तूरात यानी कि औरतें हैं और दूसरी साइड से जो है मर्द हजरात अपने वोट आज कास्ट करने जा रहे हैं। ये थर्ड फेज है इस इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का, और 39 लाख से जायद जो है आज वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। यानी कि जम्मू से भी कुछ मतलब इलाके हैं और यहाँ पर भी यानी कि 40 कुल मिला के अगर हम बात करें 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिनका आज जो है वोट डालने जा रहे हैं लोग। और आप ये कतारें बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि पट्टन से यहाँ पे लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मसले मुद्दे हैं उनके जो वो हल कराना चाहते हैं इस बार, और कुछ वोटर से बात करने की कोशिश करेंगे। और आपका नाम क्या है? नजीर साहब, इस बार आप वोट डालने जा रहे हैं, 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या उम्मीदें लगा रखी है आपने इस बार? क्या मसले मसाइले जो आप अपने नुमाइंदे तक पहुँचाने चाहेंगे? मसल इस पे बेरोजगारी जबरदस्त, बेच वत कहन ये आब पावर वह मसल फारूक सब क्या तुम उम्मीद इलेक्शन गसन वो दह वह बाद गो आज इलेक्शन, तो कच खुशी तुम्हारी खुश क्या मिले पुन कैंडिडेट पकड़ा सो मसल हल ब्रो कुल तो वन तक कौन सो मसल पे हल चाहे मसल मसाइल तुम्हें क्या प्रायोरिटी तुम्हें मसलन में मतलब कम तुम कमी बसान तुम हल कर कोशिश करो पे नुमाइंदे बेरोजगारी ये बेचे लड़के बेरोजगार कह नौकरी कह डेवलप पावर बिजली कहीं सड़क मसल इतना पटन बिल्कुल खस्त हाल गो पटन कानून अं वह प्रश्न क्या दलील क्या रोड बिल्कुल खस्त हाल गो गन तक असल मगर पटन कानून सह रोड तुम बदलाव इनशा रहमान उम्मीद कि ये बदलाव कुछ और यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। जोर मलवानी। कहाँ रहते हैं आप? पटन। जोर साहब, आप 10 साल बाद जब वोट डालने जा रहे हैं तो क्या उम्मीदें लगा रखी है आपने जो कैंडिडेट्स हैं इस बार? बस ये डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ पर रोड नहीं है, पानी नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, आपको जो नुमाइंदे अभी आपके यहाँ खड़े हुए, क्या आपको लगता है कि वो ये मसले हल कर सकते हैं? इंशाल्लाह वो हल कर सकते हैं। अच्छा, जो अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे अपना जो मौकफ रखा है कि हम क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे बिजली के हवाले से, रोजगार के हवाले से, क्या आपको लगता है कि नौजवानों को उन्होंने कहीं पे रखा है उस मौकफ में? हाँ, उन्होंने रखा है, वो करेंगे हमारा मसला हल। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लोगों से भी बात की, कुछ नौजवानों से भी बात की और कुछ बुजुर्गों से भी बात की, उनका जो मुद्दा है यानी कि बेसिक जो है वही मसले है जो 50 साल पहले 30 साल पहले भी थे। रोड यानी कि सड़कें, पानी और बिजली, यही बेसिक मसले हैं जो वो आज भी उजागर करना चाहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।